हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंगपीडिया। तो दोस्तों, स्मैकडाउन लाइव के लिए तीन बड़े मैचेस की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें से दो मैच WWE वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैचेस हैं। और इसके साथ साथ आज मिस टीवी पर आने वाले हैं डैनियल ब्रायन और एजे स्टाइल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं क्या होगा स्मैकडाउन लाइव में। पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। पहला मैच है बिग शो वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर WWE वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच। काफी लंबे समय के बाद इस हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में बिग शो रिटर्न आ रहे हैं और वो फेस करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को। और इन दोनों में से जो जीतेगा वो ज्वाइन कर लेगा जॉन सीना और कर्ट एंगल को WWE वर्ल्ड कप मैच में। मेरे हिसाब से इस मैच में टाई डिलिंजर इंटरफेयर करके रैंडी ऑर्टन को हरवा देंगे और बिग शो क्वालिफाई हो जाएंगे वर्ल्ड कप मैच के लिए। दूसरा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच है जेफ आर्डी वर्सेस समोआ जो। जेफ आर्डी हेल इन अ सेल में इंजर्ड हो जाने के बाद इस हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में रिटर्न आ रहे हैं और वो फेस कर रहे हैं समोआ जो को। इस मैच में पहले मुझे लग रहा था कि समोआ जो जीतेंगे, पर बहुत सारे सोर्सेज से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इस मैच में जेफ आर्डी जीतेंगे और वो क्वालिफाई हो जाएंगे वर्ल्ड कप मैच के लिए। तीसरा मैच है बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और इस मैच में WWE ने एक स्टिपुलेशन भी ऐड कर दी है। सुपर शोडाउन में बेकी लिंच ने डिस्क्वालीफाई होकर अपना टाइटल बचा लिया था, इसलिए स्मैकडाउन में हो रहे टाइटल मैच में WWE ने ये स्टिपुलेशन ऐड कर दी है कि अगर बेकी लिंच डिस्क्वालीफाई हुई तो वो अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगी। मुझे लगता है कि बेकी लिंच आज भी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप किसी तरह रिटेन कर लेंगी। सुपर शोडाउन में बहुत ही कम समय में द मिस को हराकर डैनियल ब्रायन बन गए नंबर वन कंटेंडर WWE चैंपियनशिप के लिए। और 2 नवंबर को क्रॉन जोएल में वो फेस करने वाले हैं एजे स्टाइल्स को WWE चैंपियनशिप मैच में। पर आज WWE ने स्मैकडाउन लाइव के लिए एक सेगमेंट अनाउंस कर दिया है जहां मिस टीवी पर फेस टू फेस आएंगे एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो कभी।